वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9, एयर वाटर एंड वेदर। इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट वेदर। नाउ वेदर, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर, क्लाउड्स, रेन एंड सन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर क्या होता है? हवा, बादल, बारिश, सन, इन सब की कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम में। द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो एंड ऑल्सो कॉज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर। जो सूरज की गर्मी होती है वो कारण होती है हवा के चलने का, कि हवा कैसे चल रही है। एंड ऑल्सो कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, और पानी की जो स्टेट होती है उसके चेंज का भी कारण क्या होती है? हीट ऑफ द सन। चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एयर एंड वाटर कॉज चेंजेस इन वेदर। जब एयर और वाटर की स्टेट चेंज होती है तो उसके कारण वेदर चेंज होता है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन टू डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन शोन इन द पिक्चर। अब आप ये पिक्चर देखो, ठीक है? अब आप ये बताओ, इज इट विंडी और कॉम काम? क्या ये विंडी डे? नो, इट इज काम। नो, इट इज काम। काम मतलब शांत, ठीक है? इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? नो। इज इट सनी और क्लाउडी? इट इज सनी डे। आपको धूप चमकती हुई दिख रही है, तो कैसा डे है? सनी डे। रोल ऑफ द सन, सन का क्या रोल होता है? द सन प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन चेंज होने में जो सूरज है उसकी मुख्य भूमिका होती है, उसका मेजर रोल होता है। वी ऑल नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट सच एन एंगल दैट द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज लॉन्गर एंड हॉटर डे विच इज कॉल्ड समर। इसके साथ साथ जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है, ठीक है? इस तरह से अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। जब ये अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, तो जो फेस सन की साइड होता है वहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है? इसके साथ साथ वो कौन सा सीजन होता है? समर। इट इज कॉल्ड समर। सन हैज लॉन्गर, जहाँ पर लंबे समय तक रहता है, हॉटर डेज विच इज कॉल्ड समर। तो ये समर होते हैं, ठीक है? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे फ्रॉम द सन, और पृथ्वी का वो पार्ट जो सूरज से दूर होता है, द सन हैज कूलर एंड शॉर्टर डेज। तो वहाँ पर क्या होता है? ठंडा होता है और दिन जो है छोटे होते हैं। तब इस सीजन को हम क्या कहते हैं? विंटर सीजन। द अर्थ ऑल्सो मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस के भी चारों तरफ लगातार घूमती रहती है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। ये देखिए, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ तो घूम रही है, साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। तो जब ये सन के चारों तरफ घूमती है तो रिवॉल्यूशन, और जब ये अपनी एक्सिस पर घूमती है दैट इज रोटेशन। ये देखिए, ये है रिवॉल्यूशन जब ये सन के चारों तरफ घूम रही है, और ये है रोटेशन जब ये अपनी एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है? रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन व्हाइल रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, सीजन चेंज होते हैं, जबकि रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। द सन्स हीट ऑल्सो कॉजेज विंड टू ब्लो। जो सूरज की गर्मी होती है वो हवा के चलने का भी कारण होती है। When the air gets heated up due to heat of the sun, जब सूरज की गर्मी के कारण हवा गर्म हो जाती है, it becomes lighter, तो यह हल्की हो जाती है। The warm air rises up, गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उड़ती है। Cool air, which is heavier, और ठंडी हवा जो भारी होती है, then comes in to take its place, तो वो गर्म हवा का स्पेस ले लेती है, उसकी जगह ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेस विंड। तो ये जो मूवमेंट होता है हवा का, इसके कारण हवाएं चलती हैं। द सन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द कंडीशन ऑफ वाटर विच कॉजेज ह्यूमिडिटी एंड रेन।
जो सूरज होता है उसके अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो वाटर की कंडीशन को भी चेंज कर सकता है, जिसके कारण एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है और रेन होती है, बारिश होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हवा में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर राइजेज अप एंड कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर जाके ठंडी होने के वो कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं हवा के, ठीक है। और ये ऊपर जाके किस में चेंज होती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर आर फॉर्म, जैसे जैसे अधिक से अधिक वाटर वेपर इकट्ठी होती हैं, दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। वो एक साथ मिलकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देन कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती है पानी की, कंबाइन होती हैं एक साथ और बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स को बनाती हैं। वेन दीज क्लाउड्स बिकम सैचुरेटेड, और जब ये क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू होल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स एनी लॉन्गर। तो ये एबल नहीं होते हैं कि इन बड़ी ड्रॉपलेट्स को, पानी की बूंदों को ज़्यादा समय तक पकड़ कर रख सके। एंड दे फॉल डाउन एज रेन, और ये बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। इन वेरी कोल्ड एरियाज, और जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडे इलाके होते हैं, दे फॉल एज स्नो, वहाँ ये किस रूप में गिरते हैं, बर्फ के रूप में गिरते हैं, ठीक है। एयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, दिस ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हवा है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के रूप में होती है हमारी अर्थ के चारों तरफ, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द सन इज द कॉज ऑफ चेंज इन द वेदर, और जो सूरज है वो किसका कारण होता है, वेदर चेंज होने का कारण होता है, ठीक है। अभी लेसन आपको समझ में आया बेटा, अभी लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से घर पे रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेक द राइट ऑप्शन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है अपने अक्ष के चारों तरफ क्या कहलाता है, रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, दैट इज रिवॉल्यूशन, ओके। नंबर 3, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डस्ट एंड वाटर वेपर्स। एयर किस चीज का कॉम्बिनेशन है, गैसेस का, इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। नंबर 4, इन फिल्ट्रेशन वाटर इज पास थ्रू, जब फिल्ट्रेशन होता है तो पानी किसके थ्रू, किसके ऊपर से निकलता है, फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर से हम पानी को डालते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ कौन चक्कर काटता है, हमारी अर्थ। द मूविंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर काटती है, रोटेशन। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, एयर में जो वाटर वेपर की क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। नंबर 4, वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर्म, जो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस फॉर्म में भी। नंबर 5, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। नंबर 6, बॉइलिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes किल द जर्म्स, जब हम पानी को बॉयल करते हैं 10 से 15 मिनट तक, तो क्या होता है, उसमें प्रेजेंट जर्म्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स, इम्प्योर वाटर कैन मेक अस सिक, क्या जो इम्प्योर वाटर होता है, अशुद्ध पानी होता है, उसके कारण हम बीमार हो सकते हैं, ट्रू। वी कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ वाटर, क्या हमें पानी किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से पी लेना चाहिए, नो। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू सन, जब जो हवा है सूरज की गर्मी के कारण गर्म होती है, तो क्या ये हैवी हो जाती है, नो। कूल एयर इज हैवियर देन हॉट एयर, जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की तुलना में अधिक हैवी होती है, ट्रू। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, जो
पानी हवा में वाटर वेपर का अमाउंट होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. यस. नाउ गिव वन वर्ड आंसर. एडिंग क्लोरीन टू किल जर्म्स. जर्म्स को मारने के लिए जब क्लोरीन हम ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं इस मेथड को? क्लोरीनेशन. जेंटल विंड, जब ठंड मीठी मीठी हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? ब्रीज. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. मैथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर को प्यूरिफाई करने के मैथड बताने हैं. बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन. ये फोर मैथड्स हैं जिसके द्वारा हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वर्कशीट 9. नेम्स द सिक्स फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन फाउंड इन नेचर आर हिडन इन द फॉलोइंग ग्रिड. इस ग्रिड में सिक्स फॉर्म्स छिपी हुई हैं कंडेंसेशन की जो कि नेचर में पाई जाती हैं. फर्स्ट है आपकी ये रेन. ठीक है. सेकेंड स्नो. ठीक. नंबर 3 फॉग. फिर ये हेल, फ्रॉस्ट एंड ड्यू. ये सिक्स फॉर्म्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये सिक्स फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स रीड द लेसन केयरफुली एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर.